नर्मदा माता का उद्गम स्थल है यहीं पे, इसीलिए अमरकंटक फेमस है। तो यहाँ भी होटल है गाइस, यहाँ भी आप रुक सकते हैं। ये देखो हमारी तानी दिवांगन जी जा रही है। नक्षत्र के समय में ही इसका कार्य निर्माण चालू होता है। Hey guys, welcome back my YouTube channel Vlogs Roadway पर फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, हम लोग अभी गए हुए थे माई की बगिया और वहाँ का ब्लॉग बनाए थे, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, जानकारी उसमें दिया हुआ हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं श्री यंत्र। अभी होटल में इसलिए आ गया था क्योंकि सुबह से हम लोग निकले हुए थे, कम से कम 3 से 4 पॉइंट हमने कवर किया हुआ है। फिर हम लोग रूम आ गए, रूम में आकर फिर हम लोग फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद में खाना वाना खाए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं श्री यंत्र देखने के लिए। तो चलिए आप लोगों को भी दिखलाते हैं हमारा होटल। अब हम जा रहे हैं श्री यंत्र के लिए और यहाँ पे कपड़े का शॉप है, डेयरी है यहाँ पे, तो हम लोग कभी कभी चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं यहाँ से दूध खरीद कर। अभी देख वेदर जो है फिर से चेंज हो गया, अभी थोड़ी देर पहले ताबड़तोड़ धूप था। गुरुद्वारा है फिलहाल बंद है, पुलिस वाले भाई सब बुलेट में दौड़ रहे हैं। यहाँ पे गाइस आश्रम बहुत सारे हैं, तो अगर कम पैसे में आपको रुकना है तो यही है ऑप्शन आपके लिए आश्रम। बजट नहीं है तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं, 200-250 रुपये एक नाइट का रहता है। जहाँ पे हम 1000 रुपये दे रहे हैं वहाँ पे ये 200-250 रुपये में आपको रूम दे देते हैं। रूम बोले जाए तो मतलब कि शेयरिंग रूम रहता है, अकेले नहीं रहोगे, आपके साथ कोई और रहेगा। मतलब कि अगर आप गर्ल्स हो तो गर्ल्स ही देंगे, बॉयज़ हो तो बॉयज़ देंगे, ऐसा है। अगर लिमिटेड है तो, अगर लिमिटेड नहीं है तो फिर आपको रूम भी मिल सकता है। जहाँ तक मैंने कुछ कुछ लोगों से बात किया है तो पता चला है, अब कितनी सच्चाई है वो तो खैर खुद रुकने से ही पता चलता है कि फिर से धूप चालू हो गया है। पंडित लोग भी कार चला रहे हैं भाई साहब, यूपी। घाट अभी पानी तो है ही नहीं, तो क्या दिखाएं आपको घाट। सावन के समय में यहाँ पे मेला का आयोजन किया जाता है, तो उस समय में आइए, विजिट करिए और घूमिए। देख रहे हैं चला आ भी नहीं पा रहे पंडित जी। सब वही खाने पीने की तलाश में निकले हुए हैं कि कहाँ पे सस्ते में खाना मिल जाए। जिस हिसाब से अमरकंटक को चाहिए उस हिसाब से अमरकंटक है ही नहीं, बस यहीं तक है मार्केट और एक है ऊपर में यहाँ से और एक आगे में है। खाने पीने से रिलेटेड तो वही था, तो यहीं पर है नर्मदा मंदिर जो हम आप लोगों को दिखलाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तो ज़रूर से देखिएगा। नर्मदा माता का उद्गम स्थल है यहीं पर, इसीलिए अमरकंटक फेमस है। देख रहे हैं पूरे दुकानें लगे हुए हैं इस साइड, यादगार के तौर पे कुछ ख़रीदारी कर सकते हैं। इतने दूर दूर से लोग देखो लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पे देखिए इस तरफ धूप है उस तरफ छांव है। ये है घाट, राम घाट। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है यहाँ पे। इतने सारे लोग आए थे दर्शन करके वापस जा रहे हैं। सामने जो बोर्ड नज़र आ रहा है वहाँ से हम लोग राइट लेते हैं, तब हमें मिलेगा श्री यंत्र। यहाँ पे लिखा श्री यंत्र मंदिर। सोनमुड़ा भी यही वाली रोड जाती है, आपने पिछले ब्लॉग पे मैंने बतलाया है। तो यहाँ भी होटल है गाइस, यहाँ भी आप रुक सकते हैं। अब यहाँ का प्राइस तो मुझे नहीं पता, आउटर में है ये। कुछ भी खाने पीने के लिए फिर आपको उधर ही जाना पड़ेगा। वो नज़र आ रहे हैं आपको, यही है श्री यंत्र। पहले ये जर्जर हालत में था, अभी तो फिलहाल पेंट मार दिया गया है, कुछ हद तक ठीक भी दिख रहे हैं।
गाइस तो यही है श्री यंत्र मंदिर। देखिए कितना खूबसूरत सा ये मंदिर बना हुआ है। इसका मेन एंट्री गेट है वही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसी को ही देख के लोग आकर्षित हो जाते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। पहले मंदिर देखिए कितना खूबसूरत सा ये मंदिर बना हुआ है। गाइस आप लोगों को थोड़ा सा पास चलकर दिखलाता हूँ। यहाँ पे सूचना तो दिया हुआ है कि किसी भी मूर्ति को आप टच ना करें, हानि ना पहुँचाएं, नहीं तो आपको हर जाना भुगतना पड़ सकता है। तो ये है इसका बायोडाटा। और मंदिर देखिए कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। इस मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता चार सिर वाला मूर्ति है। तो यहाँ पे चार सिर वाला मूर्ति है गाइस, जो देखने में बहुत खूबसूरत दिखता है और यही इसकी खासियत है। चार मूर्ति वाला जो देवी आपको नजर आ रहे हैं उनमें से है लक्ष्मी, सरस्वती, काली और भुवनेश्वरी, इनकी मूर्तियाँ बनी हुई है। और ये 64 योनि की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे आप जितने भी मूर्तियाँ देख रहे हैं ये पूरे 64 योनि मूर्तियाँ इसमें दर्शाया गया है। ये देखिए इस साइड का भी 64 है पूरे टोटल। ये तो ड्रोन होता तो आपको उड़ाकर दिखलाता, बट क्या करें अपने पास तो है ही नहीं। बाकी काफ़ी डिटेलिंग में ये बना हुआ है। इसके अंदर भी चलेंगे, कोशिश करेंगे आप लोगों को दिखलाने का। देखिए यहाँ पे इस तरह से पूरा बना हुआ है। जहाँ से भी आप देखेंगे आपको सेम ही लगेगा, आपको कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, इसकी खासियत है। यहाँ पे कुछ लोग आए हैं दर्शन करने के लिए, कंप्लीट होने के लिए पता नहीं कितने साल लगेंगे इसको। गाइस ये मंदिर अभी पूरा कंप्लीट तो नहीं है, फिर भी जितना हो सकता है उतना आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, बस गूगल के थ्रू अपन को पता चल पाया है यहाँ के बारे में। यहाँ पे दो देवी स्थापित है और ये बोलते हैं कि इस मंदिर को नक्षत्र के समय में ही बनाया जाता है। अभी जो नक्षत्र है वो चाहे 10 दिन का हो चाहे 15 दिन का हो, ऐसे मुझे पता चला है गूगल के थ्रू। तो घर बैठे आप दर्शन करिए माता जी का। जहाँ से जाने का है देख रहे हैं सारे दरवाजे अभी फ़िलहाल बंद है। माता जी के जस्ट पीछे साइड में ही है श्री यंत्र, बहुत बड़ा सा एरिया में फैला हुआ है। अब कितने बड़े एरिया में फैला और क्या बना है अभी तक किसी को पता नहीं है। तो देखने की कोशिश करते हैं। और बारिश कभी भी हो जा रहा है, कभी भी धूप निकल जा रहा है। देखो वहाँ पे जा रहे हैं धवान जी, तो चल कर देखते हैं। गाइस तो अभी हम लोग यहाँ ऊपर में चढ़कर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे इस मंदिर को। किसी को भी जाना अलाउ नहीं है। अब हम देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में बना क्या है। तो हमारे दमान और द्विवेदी भाई वहाँ पर चले गए हैं, तो चलिए चलते हैं। थोड़ा सा चढ़ान है बट कोई नहीं, कर लेंगे अपन। ये देखो हमारी तानी देवांगन जी जा रही है। हाँ धीरे धीरे आगे बढ़, चलो हार नहीं होती। यहाँ पे देख रहे बंदर, सियाड़े हैं बंदर लोग। अच्छा सुंदर बना हुआ है, अभी बन नहीं पाया ना इसलिए किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ भी बंदर। यहाँ से देखिए मंदिर, ये बजरंगबली जी काफ़ी शैतान है। काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पे है ये मंदिर। पेड़ भी काफी सुंदर से दिख रहे हैं भाई साहब। चलो आगे बढ़कर देखते हैं और अच्छे से देख पाएंगे अपन। चलो अपने पैसे वसूल हो गए अमरकंटक में आकर श्री यंत्र को देखकर। अभी देख रहे हैं ये सब जो काम है आधा अधूरा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बतलाया है नक्षत्र के समय में ही इसका कार्य निर्माण चालू होता है, और जहाँ नक्षत्र खत्म होता है वो कार्य बंद हो जाता है। और ना जाने कितने साल इसको लगेंगे बनने के लिए, लेकिन काफ़ी सुंदर सा
ये मंदिर बन रहा है। अभी मैं यहाँ पर था, अंदर मैं आपको माता का दर्शन कराया हूँ, और इसके बाद में आप देख रहे हैं पूरा गेड़ा मार के रखे हुए हैं, मतलब कि किसी को भी एंट्री नहीं है। आना चाहे तो अपन यहाँ से ऐसे घूमकर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे होल दिया हुआ है और यहाँ भी, लेकिन वही है परमिशन लेना पड़ेगा। इसीलिए इस मंदिर में बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि ये मंदिर बन नहीं पाया है। लेकिन जिसको इसके बारे में जानकारी है, यहाँ आए बगैर अमरकंटक की यात्रा सफल नहीं हो पाती है, तो यहाँ ज़रूर आते हैं देखने के लिए कि कितना बना है। वहाँ पे बना है नाग, शायद आपको नज़र आ रहा हो, वहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं गर्ल्स लोग, बहुत खूबसूरत लोकेशन पे है ये, देखिए। गाइस, तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी जानकारी मैंने आपको दिया है वो गूगल में सर्च मार के आप लोगों को बतलाया है, क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, बस मैं ऐसे ही आ गया था क्योंकि इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग।